चेकिंग करने के बाद, उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जब हम अंदर एंट्रेंस करते हैं टर्मिनल T3 डोमेस्टिक टर्मिनल T3 की तरफ, तो यहाँ पे पूरा बोर्ड है, देखिए सारी फ्लाइट। मेरी फ़्लाइट कोची की है, 8:55 एयर इंडिया की फ़्लाइट है और मेरा गेट है 33 गेट। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पूरा काफ़ी सारे शॉप्स हैं अलग अलग ब्रांड्स की, और ऊपर की तरफ लॉन्जेस हैं, इनकॉर्म लॉन्ज है और उधर एयर इंडिया लॉन्ज है। तो आज मैं लॉन्ज में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट इस टाइम की है और मुझे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए आपको दिखाता हूँ क्या क्या है T3 डोमेस्टिक टर्मिनल में। देखिए ऊपर फूड कोर्ट भी है, फूड कोर्ट पर जा सकते हैं उधर से ऊपर। दिस इज फूड कोर्ट एरिया टर्मिनल 3 डोमेस्टिक T3 डोमेस्टिक टर्मिनल फूड कोर्ट एरिया। KFC, McDonald's, Subway, काफ़ी जाने माने ब्रांड हैं, करीम। दिस इज द लॉन्च 33 डोमेस्टिक एयरपोर्ट इनकॉर्म लॉन्च। फार्मेसी भी है यहाँ पे और क्रोमा की इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है। WH स्मिथ एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड है देखिए, और हल्दीराम की भी शॉप है यहाँ पे, हल्दीराम से कुछ खरीद सकते हैं। फ्री वाईफाई कियोस्क है, शायद इसलिए लगाया गया है फॉरेनर लोगों के लिए। यहाँ पे इंडिया में तो शायद अपना नंबर से OTP डाल के वाईफाई मिल जाता है, लेकिन फॉरेनर लोगों के पास इंडियन नंबर नहीं होता है, तो शायद वो पासपोर्ट स्कैन करके कूपन ले सकते हैं। और इधर 37 to 62 गेट नंबर। हम मेरा गेट इस तरफ है 33, पर मैं आपको एक खूबसूरत यहाँ पे स्टैचूज बने हुए हैं योगा का, और जैसा कि आप सब लोगों को पता है 21 को इंटरनेशनल योगा डे था, यहाँ पे बहुत सारी मुद्राएं दिखाई गई हैं योगा की। हम अपने गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट डोमेस्टिक टर्मिनल T3 काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है, काफ़ी सारी शॉप भी हैं यहाँ पे, वर्ल्ड फेमस शॉप्स हैं, बर्गर किंग, स्टारबक्स, टिम हॉर्नेट्स,
टिम हॉर्टन्स। और एक और लॉन्ज है, ये आई थिंक ये अमेरिकन एक्सप्रेस का लॉन्ज है, इसके पास अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड होते हैं, उन तो लोग जा सकते हैं इसमें। लेफ्ट में गेट नंबर 27 है, राइट में गेट नंबर 28। तो हम अपने गेट की तरफ चलते हैं और तो जाने से पहले मैं कुछ प्लेन दिखाना चाहता हूँ जो आसपास खड़े रहते हैं एयरपोर्ट के। तो यहाँ पे ज़्यादातर एयर इंडिया और इंटरनेशनल फ्लाइट के ही प्लेन खड़े रहते हैं, तो देखते हैं कुछ प्लेन खड़े हैं अभी या नहीं। यस, एयर इंडिया का प्लेन है, थोड़ा दिखा सकता हूँ आपको, देखिए दूसरी तरफ भी एयर इंडिया के काफ़ी सारे प्लेन खड़े हैं। एक्सप्रेस के प्लेन खड़े हैं, देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस, उधर इंडिगो भी है और विस्तारा के पीछे प्लेन खड़े हैं। यहाँ पे अभी तक मुझे कोई एयर इंडिया एक्सप्रेस का न्यू लोगों का प्लेन तो खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन एयर इंडिया का न्यू लोगों का प्लेन अभी तक नहीं दिखा। गेट नंबर है मेरा, गेट नंबर 33। देखिए एयर इंडिया के कितने सारे प्लेन खड़े हैं यहाँ पे, और एक इंडिगो का प्लेन आ रहा है, शायद अभी लैंड हुआ है। एयर इंडिया भी काफी सारे एयर इंडिया के प्लेन हैं। प्लेन टेक ऑफ करते हुए, नो सॉरी आई थिंक लैंड हुआ है अभी। तो यहाँ पे नो आई वाज राइट, टेक ऑफ। एयर इंडिया का ही प्लेन है, टेक ऑफ किया है अभी। तो यहाँ पे हवाई पट्टी है एक, आई थिंक दिल्ली में 3 या 4 हवाई पट्टी हैं, और एक प्लेन आ भी रहा है उधर से, देखिए एमिरेट्स एयरलाइंस का प्लेन भी लैंड हुआ है शायद अभी। बाहर का लाइट का बहुत खूबसूरत नज़ारा है, शायद वीडियो में इतना क्लियर ना आ रहा हो, लेकिन देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि अपने आप में मतलब एक फीलिंग आती है कि हम कितनी अच्छी जगह खड़े हैं, देख रहे हैं, अलग ब्यूटी है। एयरपोर्ट पर लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग की बहुत सारी सुविधा है, यहाँ पर बैठने की जगह भी है, इधर भी स्लॉट्स दिए हुए हैं, जगह जगह पर कॉफ़ी के लिए कैफ़े हैं, टेबल
लगी हुई हैं कि फ़्लाइट देख सके कौन से गेट से कितने बजे जा रही है। टॉयलेट्स हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो हमारा एयरपोर्ट दिल्ली का वर्ल्ड के टॉप एयरपोर्ट्स में से है, और फैसिलिटी की बात करें तो हर वो फैसिलिटी है जो किसी भी एक अच्छे एयरपोर्ट में होनी चाहिए। देखिए एक प्लेन और आया अभी, शायद ये टेक ऑफ कर रहा है। यस, टेक ऑफ। यहाँ पे भी एयर इंडिया के प्लेन लगे हुए हैं, देखिए ये भी एयर इंडिया का प्लेन है, ये भी। देखिए यहाँ पे रनवे है और रनवे से फ्लाइट उड़ रही है अभी। आई थिंक कौन सी कंपनी की है, दिख नहीं रही, इंडिगो है आई थिंक। से टेक ऑफ कर रही है फ्लाइट, एंड है एकदम एयरपोर्ट का, मतलब जहाँ से फ्लाइट उड़ती है। काफ़ी लंबी दूरी से, देखिए कितनी दूर तक एयरपोर्ट है, वहाँ तक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पता भी नहीं आ गया। यहाँ पे आके एंड हो जाता है और यहाँ पे रनवे है, एक रनवे। तो अभी मैंने दिखाया था एक फ्लाइट उड़ते हुए इंडिगो की, अभी एक प्लेन और गया था यहाँ से, शायद हो सकता है कोई और प्लेन भी टेक ऑफ करें यहीं से।